जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्रोग्राम था आज पहले हांजी वाला में, उसके बाद शेराबाद में हम यहाँ आए। आपने देखा होगा कितना जोश और वलवला है जवानों में। वो चाहते हैं कि जो जो मुसीबतें इन पर हैं, जो आफतें इन पर हैं और जो मुश्किलात इन पर हैं, कोई आए जिसका इसका इजाला करे। ये मेरे पिछले 10 साल से यही नारा है गवर्नर साहब से। मैं हमेशा ये कहता था, गवर्नर साहब आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। आप कहते हैं कि मेरे राज से पूरा कश्मीर खुश है, लेकिन आज जो कश्मीरी जोक दर जोक निकल रहे हैं, ये इसलिए निकल रहे हैं कि वो आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं। गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, आप लोगों की बात सुन लीजिए, आप वो लोगों का वलवला देख लीजिए। वो अपनी सरकार चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के नेताओं को चाहती है। सर आप ज्यादा अगर आए देखते तो नौजवान आपके साथ ज्यादा जुड़ते हैं। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए नौजवान ही एजेंट्स ऑफ चेंज होते हैं, और जो ज्यादतियां हुई हैं वो सबसे ज्यादा नौजवानों पर ज्यादतियां हुई हैं। अभी भी आप देख लीजिए, पिछले 10 साल से जो मोदी जी का दावा कि नया कश्मीर बनने वाला है, कहाँ नया कश्मीर है। आज भी मेरा नौजवान उसी रूटीन में हर दिन पुलिस स्टेशन जाता है और हाजिरी देता है, जनाब मैं हाजिर हूँ। नौजवान काम के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसको 2 बार दिन में जाना पड़ता है, एक सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। अगर नौकरी के लिए जाएगा तो 9 बजे जाना है और नौकरी से वापस आना है 6 बजे। सर आज पीएम का विजिट था, आपने तो खुद भी देखा होगा पीएम साहब का विजिट। 10,000 कुर्सियां थी और 3,500 लोग थे। सर अक्सर हम देखते हैं कि बात साहब तो मुझे तो इसीलिए आना है, वाला कश्मीर का मसला मैं कहाँ से हल कर पाऊंगा भैया। मेरे तो उतनी ताकत ही नहीं कश्मीर का मसला हल करूंगा। मैं जो करूंगा मैं इनके मसाइल हल करूंगा, मैं इनके लिए आया हूँ। आई हैव कम टू सर्व देम, आई वॉन्ट टू वॉक विद देम शोल्डर टू शोल्डर। जैसे मैं जिंदगी कर रहा हूँ वैसे ही मेरे भाई लोग जिंदगी करने चाहिए। भैया आप देखिए, प्रॉब्लम है कि आप मेरे से अभी एक बाइट ले जाएंगे, बाद में जो हम मुखालिफ की बात करते हैं उसे आप पूछेंगे, आपको पता नहीं क्या है। आप ये चीजें उजागर कीजिए ना। सबसे ज्यादा अगर हुकूमत की है जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर अच्छी नींव डाली होती तो इमारत इतनी बहुत बड़ी बन गई होती, लेकिन जब उन्होंने नींव ही ठीक नहीं डाली है, ये अब हम बच्चों पर है कि हमें ये इसको सब कुछ ठीक करना है। तो इंशाल्लाह करेंगे, हमारे साथ यूथ है, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स है, हमारे साथ हमारे सीएसएस लोग हैं। इंशाल्लाह उनकी गाइडेंस और जवानों की हिम्मत में हम इंशाल्लाह वी विल रिबिल्ड। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी पूरे मेरे साथ साहब, मैं आपको एक बात बता दूंगा। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने मुझे बहुत बार आपने मुझे इंटरव्यू किया। ए टीम बी टीम तो आप ही लोग फैलाते हो, ये तो आप ही को उसमें से मुझे लगता है मजा आता है। ग्राउंड पर ए टीम बी टीम नहीं है, ग्राउंड पर है काम करने वाला चाहिए। ग्राउंड पर मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आप फारूक साहब के पास जाइए या उमर अब्दुल्ला साहब के पास जाइए, जो बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उनको कहिए उमर साहब आपके वालिद साहब तो 24 तक MP थे श्रीनगर के। उमर साहब को कहिए आपके अकबर लोन साहब तो बारामूला के MP रहे हैं 24 तक। अगर बाकी लोगों ने काम नहीं किया, आपके तो MP थे, MLA से तो बड़ा MP होता है, उन्होंने क्यों नहीं किया। चलो हमने माना कि हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो तो दीरीना लीडर है, उनकी तो तकरीबन 80-90 साल सिर्फ सियासत में हुए, तो उन्होंने क्या किया। ब्लेम गेम छोड़ दीजिए, 25 माह में जो मुझसे हो सका वो मैंने किया है, और मैंने आपको बार बार कहा आप आइए मैं आपको वीडियोग्राफिक एविडेंस दूंगा कि मैंने क्या काम किए। लेकिन प्रॉब्लम यह है आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको एजेंडा दिया गया है कि ए टीम और बी टीम बनाओ बाकी लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा, तो आप उस एजेंडे ज्यादा अच्छा चल रहे हैं। चुप हो गए सब।